नमस्कार जनती में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 अप्रैल से वो जनता के बीच जाएंगे और राहत कैंप लगाएंगे। इसी बीच उन्होंने मिशन 2023 और विजन 2030 भी पेश किया है, जिसके जरिए वो लाभार्थियों से मिले हैं, लाभार्थियों की नब्ज टटोलने की कोशिश की है और पूछा है कि क्या चाहिए उन्हें ताकि देश तरक्की कर सके। उनका साफ कहना है कि मकसद एक ही है कि राजस्थान नंबर वन बने हर क्षेत्र में। तो चलिए हम मिशन 2023 और विजन 2030 के पीछे की कहानी क्या है, क्यों गहलोत साहब 2030 लेकर के चल रहे हैं, क्या उसके सियासी मायने हैं, तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, माधोराम चौधरी साहब भाजपा से, कांग्रेस से हमारे साथ सुखदेव सिंह चौहान जी और हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ। अनिल, क्या लगता है आपको, 23 और 24 के चुनाव की बात तो मैं अक्सर अशोक गहलोत से सुनता आ रहा हूं, लाभार्थी सम्मेलन, योजनाओं की बात और जनता के बीच जाकर के 24 तारीख से उनका साफ कहना है कि मैं जिलों तक भी जाऊंगा, उन कैंप्स के जरिए राहत देने की बात है। अप्रैल से ही 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, दूसरी जो योजनाएं हैं तमाम योजनाओं को जनता के बीच रखेंगे, वहां कैंप में आप जाइए, अपनी किस योजना के आप प्रतिभागी हैं उसको आप राहत लीजिए। और ये तो बात होती है राहत कैंप की, जो मुझे साफ दिखाई देता है कि 2023 के लिए उन्होंने अपनी एक जमीन तैयार कर रहे हैं, लेकिन 2030 का मिशन लेकर के जो विजन जो लेकर के चल रहे हैं उसके पीछे क्या लगता है आपको कि इस कार्यकाल की बात ना करें विपक्षी, अगला कार्यकाल भी फतेह करना चाहते हैं अशोक गहलोत? देखिए, बिल्कुल सियासी पार्टी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस से जुड़े हैं, सत्ताधारी हाल ही की अगर सरकार के देखें तो मुख्य है यहाँ पर है। विजन जो 2030 का लेकर चल रहे हैं उसके पीछे सियासी मकसद भी यहाँ पर है, जनता को अपने पक्ष में किस तरह से कर सकते हैं। हमने पिछले दो बजट की अगर चर्चा यहाँ पर करना चाहूंगा, इससे पहले का जो बजट दिया गया था उसमें विपक्ष भी शायद यही कह रहा था कि ये चुनाव बजट सा लगता है, उस समय चुनाव नजदीक नहीं थे। इस समय का अगर बजट हाल ही में दिया उस बजट को भी अगर देखा जाए जनता के लिए सौगात भरा रहा, विपक्ष भी सोचने पर मजबूर था कि आखिरकार ये बजट कैसे पूरा होगा। नेता प्रतिपक्ष उस समय जो गुलाब चंद कटारिया थे उन्होंने भी कहा कि वित्तीय प्रावधान क्या रहे, ये तक विपक्ष के कहीं ना कहीं सवाल वहां पर खड़े हो रहे थे। तो इसके बाद में जो कदम यहां पर उठाए गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता के लिए नो डाउट काफी योजनाएं की हैं, चिरंजीवी योजना की बात कर ली जाए, ओपीएस की लागू करने की बात यहां पर करी जाए और उसके साथ साथ अब 50 बिजली जो यूनिट थी उसको 100 यूनिट यहां पर किया जा रहा है और राहत कैंप भी लगाए जा रहे हैं। कमी यही थी सरकार के अंदर, जो सबसे मेन पॉइंट था जनता के बीच में ना तो मैसेज था, जो बेहतर योजनाएं थी उनको जनता कुछ हद तक जान भी नहीं पा रही थी। अब जनता किस तरह से जानेगी, जनता अगर पहचानेगी और योजना का लाभ मिलेगा तो जनता को राहत मिलेगी, जनता को राहत मिलेगी तो सरकार को राहत मिल सकती है। हाँ, ये कंफर्म नहीं है कि वोट के समय जनता वोट कास्ट किधर करेगी, लेकिन हाँ एक चांस बनता है यहाँ पर कि अगर विजन 2030 लेकर चला जाएगा जनता के बीच में ये रहेगा कि हाँ अगला कार्यकाल भी शायद यहीं पर होने वाला है और शायद पार्टी जो है वो रिपीट करने वाली है, क्योंकि मिथक है राजस्थान के अंदर एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का। तो जी, मैंडेट किस तरह से लिया जा सकता है, जनता के माइंड को किस तरह से वोट किया जा सकता है और फिर जनता को जो चाह रहा है, जनता क्या चाहती है, उनको लाभ क्या चाहिए, जनता की उम्मीदें फिलहाल क्या हैं, सरकार और क्या दे सकती है, जनता इसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार काम भी कर रहे हैं और ये जो योजनाएं हैं उनका लाभ देने की कोशिश कहीं ना कहीं जनता को लाभ देने की कवायद है। ये कैंप उसी के तहत है और अगर जनता को राहत मिलेगी तो ये उम्मीद भी की जा सकती है कि 2023 में शायद सरकार जो कांग्रेस पार्टी की है कांग्रेस को भी कुछ राहत यहाँ पर मिल सके। तो चलिए माधोराम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं, केवल मिशन 2023 नहीं है, विजन 2030 भी अशोक गहलोत साथ में लेकर के चल रहे हैं और उनका साफ कहना है कि उसका जो मकसद है वो साफ दिखाई देता है कि ना केवल 2023 का चुनाव, 28 के चुनाव की तैयारी भी अशोक गहलोत की इस बजट के जरिए, क्योंकि एक बार विधानसभा में उन्होंने कहा कि मैं केवल ये 2023 के लिए बजट नहीं बना रहा हूं, ये बजट अगले 5 से 8 साल तक का बजट बना करके दे रहा हूं ताकि राजस्थान की जनता को सुख दुख सब में बजट उनके साथ में रह सके। देखिए योगेंद्र जी, अगर कांग्रेस के पिछले 4.5 साल का, अभी अनिल जी ने बताया कि कुछ घोषणाएं इन्होंने की, खाली घोषणाएं करने से नहीं होता, इन्होंने 4.5 साल में किस्सा कुर्सी का ही चला इनके, जनता ने भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया और जिन
जन घोषणाओं के साथ में और जिन अपेक्षा के साथ में साढ़े चार साल पहले कांग्रेस को जो मैंडेट मिला था, उस मैंडेट में इनकी घोषणाओं में अगर एक से लेकर अंत तक देखते हैं तो ऐसी कोई भी योजना इन्होंने नहीं है जो धरातल पे इनकी उतरी हो। सबसे पहले इन्होंने कहा कि किसानों को हम 2 लाख रुपए तक की ऋण माफी देंगे, उसमें ये बुरी तरह फेल हुए। आज ये कह रहे हैं कि हमने ऋण माफ कर दिया। किसका कर दिया? जनता, जो किसान है वो त्रस्त है। दूसरा था कि इन्होंने कहा कि हम बेरोजगारों को 3500 रुपए भत्ता देंगे, इन्होंने मात्र 50,000 लोगों को भत्ता दिया, रजिस्टर्ड 30 लाख है। तीसरा इन्होंने कहा कि हम गुणवत्ता युक्त बिजली देंगे, क्योंकि बिजली तो वसुंधरा जी के समय बहुत अच्छी मिल रही थी। किसानों को भी उन्होंने 10,000 रुपए तक 833 रुपए के हिसाब से सब्सिडी दे दी थी। उस सब्सिडी को इन्होंने देखिए 3 साल तक बंद रखा। बंद रखने के बाद में आज ये कह रहे हैं कि हम 2000 यूनिट आपको फ्री दे रहे हैं। मतलब एक घुमाने का काम इन्होंने किया और 3 साल तक उन्हीं किसानों से पैसा ले लिया इन्होंने। उसके बाद में आप देखेंगे अन्नपूर्णा योजना की मैं बात करूंगा। हमारी अन्नपूर्णा योजना थी वसुंधरा जी के टाइम में, इन्होंने 3 साल उस योजना को बंद रखा और एक नए नाम से लेके आ गए कि इंदिरा गांधी रसोई है। तो देखिए जनता सब समझती है और जनता ये चाहती है कि जनता आप नई चीज कोई लेके आओ। नहीं, इन्होंने पिछले बजट में इन्होंने कहा कि हम किसान बजट ला रहे हैं। अगर मेरे साथी भी यहां बैठे हैं, कभी भी कोई कांग्रेसी से मैं पूछता हूं, भाई किसान बजट में आपने क्या कर दिया, क्या लेके आए किसान के लिए, एक योजना का नाम बता दीजिए, नई योजना जिसको आपने धरातल पे उतारा हो या किसानों को फायदा दिया हो। भाई किसान के नाम होने से नहीं होगा कि किसानों को दे दिया बेरोजगार। अब भर्तियों की बात करते हैं, अगर भर्तियां इन्होंने मात्र 1,44,000 भर्तियां की है, वो तो पिछली सरकार की जो पेंडिंग भर्तियां थी इन्होंने नहीं भर्ती, ऐसी एक भी भर्ती का बता दे जिन्होंने इसी राज में निकाली और इसी में कंप्लीट कर दी हो। तो योजनाएं धरातल पे कोई उतरी नहीं, खाली गुमराह करना चाहते हैं या जादू चलाना चाहते हैं। तो जादू तो खाली देखने में अच्छा लगता है, जब बाहर निकलता है आदमी को तो उसका हकीकत में ही जीना पड़ता है। तो जादू से काम नहीं चलेगा और झूठी घोषणाओं से भी काम नहीं चलेगा। धरातल पे कोई योजना इनकी उतरी हो, उसको जनता को फायदा मिला हो तो सोचते हैं। अगर टोल टैक्स की बात करें तो वसुंधरा जी के टाइम में टोल टैक्स माफ करके गए, इन्होंने उसको लागू कर दिया, बिजली की रेटें इन्होंने बढ़ा दी। तो इन्होंने कौन सा अचीवमेंट साढ़े चार साल में है? एक भी अचीवमेंट नहीं है जिसमें जनता में जाके बता सके। खाली गुमराह करने का काम किया, चिरंजीवी का बड़ा ढोल पीटते हैं ये। हमने भामाशाह के 3 लाख तक का इलाज था, पर हर प्राइवेट हॉस्पिटल वाला राजी था काम करने में। आज कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाला नहीं कर रहा। और आयुष्मान भारत 5 लाख का, अगर 5 लाख तक आयुष्मान भारत है उसी को आपने चिरंजीवी बना दिया। चिरंजीवी बनाने के साथ में मेरे मित्र यहाँ पे बैठे, मेरे को तो ये बता दो, आपने 10 लाख की घोषणा की है पिछले टर्म की बात कर रहा हूँ। अगर 10 लाख की है तो मेरे को ये बता दे कि आपने कितने इलाज कर दिए, 5 लाख से ऊपर कितने इलाज कर दिए, ये इनसे पूछ लेना। तो हम बता देंगे कि भाई 25 लाख की आपने घोषणा की है तो उसमें जनता को फायदा मिलेगा। तो ये गुमराह करने का काम है, इसके अलावा कुछ नहीं। मदन जी, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए घोषणाएं आपकी भी वैसी है, इनकी भी वैसी है। राजेंद्र राठौर जी फोन करके पूछ लीजिए, मैंने डॉक्टर दिगंबर सिंह की डेथ के दिन फोर्टिज हॉस्पिटल में दिखाया कि साहब ये बोर्ड क्या लगा, उसमें साफ लिखा हुआ था कि आपकी जो भामाशाह योजना के लाभार्थी कृपया यहाँ ना पधारे, उनका इलाज मुफ्त नहीं किया जाएगा। नहीं, वो एक हॉस्पिटल एक्सेप्शन हो सकता है। 10 हॉस्पिटल जयपुर शहर के, आप क्या नारायण हड़ताले में गए? नारायण हड़ताले आगे की बात सुने, आप आगे की सुने, आप अपने पे अकेले पे मत लीजिए। वही मैं इनको चश्मा दिखा रहा हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चिरंजीव का भी अगर दावा किया जाता है तो बिना एक्सरसाइज का दावा है। वो भी मैं आपको अकेले को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं, आप पूरी बात सुनिए उसकी कि लोग कैसे ठगे महसूस किए जाते हैं। किसी ने कहा कि साहब चिरंजीव में या भामाशाह योजना के जरिए आपका मुफ्त इलाज, बहुत अच्छा लगता है कहने में भी, एक सेकंड में बात खत्म कर दी जाती है, लेकिन जब वो लाभार्थी वहां पहुंचता है तो उसके साथ क्या चोट होती है। मैं आपको भी चौहान साहब बताना चाहूंगा ये बात, ये बिना एक्सरसाइज की योजना, क्योंकि गांव से चला आदमी कोई आता है कि साहब किसी के ब्रेन हेमरेज हो गया, वो जयपुर के एक, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जाता है, वहां उससे बताया जाता है कि नहीं साहब ये इलाज ऐसे नहीं होगा, आपको पैसे जमा कराने पड़ेंगे। कि साहब मेरे पास तो एक कार्ड है, इसका इलाज करा कि नहीं, आप पैसे जमा कराइए, कोई है उसमें मॉनिटरिंग करने वाला? केवल कह देने भर से नहीं है, या तो फिर इससे बढ़िया तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाई, ऐसी घोषणाएं क्यों की जाती है? क्योंकि मैं इस वजह से कह रहा हूं कि एक महत्वपूर्ण योजना है, इसके कारण इनके वक्त भी वही ठगा हुआ आदमी रहा मेडिकल रिलीफ में, और आज आपके वक्त भी वही है। नहीं देखिए, मैं सरकारी में है, मैं इसे खारिज नहीं करूंगा, चाहे इनके गवर्नमेंट हो चाहे आपकी हो, सरकारी में जो लाभ मिल सकता हो मिला, लोगों को मिल भी रहा है। मैं आपके आंकड़े साफ कर दूं, ये जो बजट है जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो विजन 2030 वाक्य में भी है, क्योंकि कारण क्या है कि जुमलों में
और साढ़े चार साल का विजन तो साढ़े चार साल का बता रहा हूँ मैं, आपके आपके चार साल के अंदर एक विद्यालय खुला था, यहाँ पे 272 विद्यालय खुले हैं। आप जादू की बातें मत करिए, आप 2000 मैं आपके बीच में, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। जुमले जुमलों और वादों में फर्क होता है, समझिए, जुमलों और वादों में फर्क होता है। सुखदेव जी 2023 में साढ़े चार साल का आपने एक प्राइमरी स्कूल नहीं खोला, मैंने पूछा आपने एक प्राइमरी स्कूल नहीं खोला, 272 प्राइमरी स्कूल खोला, 272 प्राइमरी स्कूल खोले, हमने 25 लाख लोगों को, आप झूठ क्यों बोलते हो, झूठ नहीं है आंकड़े बोलते हो, 27 लाख और 27 लाख लोगों को चिरंजीवी योजना के तहत किया। आप जब बोल रहे थे मैंने इंटरप्ट किया आपको, आप जब बोल रहे थे तो मैंने इंटरप्ट किया, यही डेमोक्रेसी है, यही डेमोक्रेसी है, यही लोकतंत्र है, सुनना नहीं चाहते किसी की, आप सुनना पसंद ही नहीं करते हो, यही डेमोक्रेसी है, यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है, आप सुनना नहीं चाहते हो, आप किसी को सुनना नहीं चाहते, आप चाहते नहीं है कि कोई बोले, आप चाहते नहीं हो कि कोई चली, वो देख लिए, ये एक सवाल नहीं है, मैं हजार सवाल का जवाब दूंगा, आपके सवाल का जवाब मैं एक एक बता दो, मुझे एक चीज बताइए, चिरंजीवी योजना के तहत 27 लाख लोगों ने इलाज कराया है, चिरंजीवी योजना के तहत आंकड़े आंकड़े देखिए, ऊपर कितने लोगों ने इलाज कराया, 27 लाख लोगों ने इलाज कराया है, 94 लोगों ने, मात्र 27 लाख लोगों ने इलाज कराया है। आपको समस्या इस बात की आ रही है, आपके लोग आपको समस्या इस बात की आ रही है, समस्या इस बात की आ रही है, आपको इसी बात को जो है वो भी हमारी आयुष नहीं है, उसमें आप क्या कर रहे हैं, आपके साथ प्रॉब्लम यही है, आपके साथ प्रॉब्लम ये राजस्थान की जनता का भला नहीं देख रहे हो, आप तो आप राजस्थान की जनता का भला नहीं देख रहे हो, आप नहीं चाहते हो राजस्थान की जनता का भला हो, आप चाहते ही नहीं हो राजस्थान की जनता का भला हो, क्योंकि चार साल में आपका मकसद तो आप कर देते ना, कौन मना कर रहा था ना, पूरा किया करके दिखाया, 2023 में बोला, 2023 सुने, 2023 सुनना ही नहीं चाहते, ये कह रहे लोकतंत्र खतरे में, यही लोकतंत्र खतरे में, यही लोकतंत्र खतरे में, ये किसी को सुनना पसंद नहीं करते, ये किसी को सुनना पसंद नहीं करते, सुनना नहीं चाहता किसी की, 2030 का आप बताएंगे, हम बताएंगे, हम बताएंगे, हम यही देंगे, हम बताएंगे, हम बताएंगे, आप नहीं बता सकते, 2030 की साढ़े चार साल का रिकॉर्ड बता रहे हैं, चार साल का हमने क्या नहीं किया, हम दे रहे हैं साढ़े चार साल का रिकॉर्ड, हम दे रहे हैं साढ़े चार साल का रिकॉर्ड। एक बात सुनिए सुनिए माधवन जी, आप जब बोल रहे थे बीच में नहीं बोले, मैंने नहीं बोला, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं इनसे 2030 की वो लाइन समझना चाह रहा हूँ कि 2030 का विजन कैसे आप तय कर रहे हैं, मुझे वो जरा तो बताइए, सुनिए एक बार, हाँ वो मुझे बताइए, आप तसल्ली से सुनिए, अभी आप बताइए 2020 मिनट पहले का तो मैं जादू सर प्लीज आप सुने, आधे घंटे पहले आपने आधे घंटे पहले पूछा था कि लोकतंत्र खतरे में है, अभी आप मुद्दे पे, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं, मेरे को समय दीजिए ना, आप इस तरीके से नहीं हो सकता, आप मुझे भी समय निकल जाएगा, मैं वही कह रहा हूं, मैं 2030 कह रहा हूं, 2000 कौन सा, हम विजन लेके चल रहे हैं कि राजस्थान की जो जनता है वो जनता स्वस्थ रहे, वो जनता राहत में रहे, वो जनता हमारी आने वाली जो पीढ़ियां है वो पूर्ण रूप से बढ़त करे, ये विजन एक जननायक का है, ये विजन एक उस मुख्यमंत्री का है जिसने वादे किए थे, जुमले नहीं दिए, जुमले नहीं दिए कि 2 करोड़ रोज, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी, अरे मेरी बुरी बात करने दीजिए, मेरी बुरी बात करने दीजिए, आप अपने समय से बात कीजिए, आप अपने समय से बात कीजिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछली सरकार की मैं बात करूं तो दवाई फ्री लेके आए थे, इन्होंने फिर फटफड़ाए सब दवाई फ्री आ गई है, कैसे होगा, कहां से बजट होगा, ये होगा, हमने करके दिखाया, हर अस्पताल में दवाई फ्री मिली, जांच फ्री हुई, उसके बाद में फिर मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि जो देश, जो राजस्थान की जो जनता है उसका स्वास्थ्य सही होना चाहिए, ताकि हर ढाणी गांव तक व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहे, सबसे पहले चिरंजीवी योजना लेके आए जिसमें 5 लाख था, उसके बाद में उसकी रकम को बढ़ा करके 10 लाख कर दिए। सर मैं ऐसे 20 परिवारों को जानता हूं जिनकी जमीन बिकने से रुकी है, जिनके कैंसर में जहां 10-10 लाख रुपए लगने थे वहां एक सिंगल रुपए नहीं लगा, ऐसे लोगों को सर हम भी जानते हैं, हम भी लोगों के पास में जाते हैं, आप जाइए लोगों के पास में बात कीजिए। अब सर मुझे एक चीज बताइए कि सबसे बड़ा, मैं नहीं, हम नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता किसी के साथ कोई दुर्घटना हो,
आज 10 लाख का दुर्घटना बीमा है, क्या वो गरीब के फायदेमंद के लिए नहीं है? इनको इसी बात की चिढ़ लगती है कि हम आम जन के लिए कर रहे हैं। हम बंद कर दिया, आप बीच में नहीं बोले, आप बीच में नहीं बोले, आप बीच में नहीं बोले, सारी बातें आप बीच में नहीं बोले, आप बोल रहे हैं सारी बातें, आप बीच में नहीं बोले, आप बीच में नहीं बोले, आप सारी बातें क्यों बोल रहे हैं? आप अवसर दूंगा आपको, अवसर मैं नहीं बोलूंगा, मेरे साथी से नहीं पूछूंगा, आपको अवसर दूंगा। हां आप बोलिए, उससे मैं अपनी बात रखिए, आप जल्दी अपनी बात पूरी। हां मैं सर वही बात कर रखता हूं, मैंने चिरंजीवी के बारे में बताया, चिरंजीवी दुर्घटना के बारे में बताया और साथ में बिजली की बात करें। अरे भाई साहब, तो ये 100 यूनिट दे दी, अब मैं अगले विजन 2030 के, विजन 2030 ही है, अभी तो 100 यूनिट दी है और छिजत इतनी कम करी, हम गारंटी के साथ कहते हैं अगले 3 साल के अंदर 300 यूनिट फ्री करेंगे। अब क्या बात करो, तो फिर उससे क्या होगा? उससे घाटा तो बढ़ता चला जाएगा, घाटा नहीं बढ़ेगा, छिजत छिजत का परसेंटेज है वो कम हो रहा है। मेरे को पहले पूरी बात करनी थी, मैं तो इसे सर विजन बताओ, एक मिनट सुने, गलत बात आप ये कह रहे हैं कि 100 यूनिट देने से छिजत कम हो रही है, आपके अधिकारी कह रहे हैं बिजली का घाटा बढ़ता जा रहा है इसी से 100 यूनिट से भी, फिर आप ये मत कहिए कि छिजत कम हो रही है, ये दावा नहीं कर सकते आप। छिजत 27 से 17% हुई है, जिसमें कैसी बात कर रहे हो आप, इस डेटा के अंदर हुआ है, छिजत कम हुई है, छिजत कम होने के बाद में आगे और प्रावधानों के तहत में उसको 300 यूनिट किया जाएगा। उसके बाद में देखिए, हमारा 2030 का प्लान में भी यही था कि हमने सर कर्मचारियों की सुनी, हम उस कर्मचारी के वर्ग तक गए, उप्स क्या है, उनका अधिकार है, उनका स्वाभिमान है, उनकी बुढ़ापे की वो रोटी है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सुना उनके बारे में, उनके बच्चों के भविष्य के बारे में सुना और उनकी जो वृद्धावस्था है उसको सम्मान देने के लिए उप्स योजना लागू करी, नई जो पेंशन स्कीम है वो लागू करी। अब इनको वो भी प्रॉब्लम है क्योंकि ये पेंशनों को खत्म करते जा रहे हैं, हम पेंशन्स को लेके आ रहे हैं, तो इनके साथ में समस्या यह है। जब भी आम जन के कल्याण के लिए किसी तरह की कोई भी योजना आती है और उसका ग्राउंड लेवल पे लाभान्वित होता है, इस तरीके की जो 10 योजना है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं राजस्थान की जनता से आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूं कि 24 अप्रैल से आप सभी उस शिविर में पधारे और जितनी जो योजनाएं हैं, 10 योजनाओं के बारे में वहां उल्लेख होगा। आप सभी राजस्थान की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है कि शिविर में 2023 की हो रही है, इससे तो मुझे नहीं लगता कि शिविर में पधार करके सभी योजनाओं का आप लाभांश ले। अब 2030 की बात कर ले, चलो मेरी भूमि से सवाल करने, तो मैं अभी आपके पास भी आऊंगा, वो बोर हो रहे हैं क्योंकि वो बीच में बोलेंगे, फिर मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हम समझते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हम डेमोक्रेसी को समझते हैं बिल्कुल, चलिए फिर, क्योंकि डेमोक्रेसी हमने बनाई है, तो मैं उनसे बात करूं। हाँ, बिल्कुल, हाँ। डेमोक्रेसी ना आपने बनाई ना हमने बनाई, डेमोक्रेसी तो जो जिन्होंने बनाई थी उन्होंने ही बनाई थी, हम तो भोग रहे हैं उसको, हम भोग रहे हैं उसको। अच्छी बात है, माधव राम जी ने पते की बात कही है। माधव राम जी, 2-3 चीजें अशोक गहलोत जी कहते हैं कि ओपीएस कि 2030 का हम लक्ष्य इस वजह से लेकर के चल रहे हैं कि जो पेंडेंसी हम उसको निपटाएंगे, लोगों को आधारभूत संरचना जो मिलनी चाहिए मेडिकल सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, वो हम दे करके चलेंगे। 2023 का बजट हमने नहीं बनाया, 2030 के परिपेक्ष में बजट बनाया और इसी बजट को पूरा करने के लिए इतना समय हम लेकर के चल रहे हैं, राजस्थान की जनता हमें ये समय देगी और हम इसको पूरा करके दिखाएंगे। सबसे बड़ा विजन जो मैं समझ पा रहा हूं और मुख्यमंत्री जी से जो हमारी बात हुई है वो कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर ये बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, पिछले 70 साल में जितना ऋण पीछे की सरकारों ने नहीं लिया, आधा ऋण इन्होंने ले लिया, 5.5 लाख करोड़ रुपए इन्होंने ये जनता के माथे ले लिया। इनकी न तो कोई आय का सिस्टम बताया इन्होंने, नहीं ये पैसा आएगा। एक सेकंड, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, आप इसको आप भी करेक्ट करिए। देखिए, मेरे साथ तकलीफ ये है कि मैं साथ साथ करेक्ट कराता चलता हूँ। 5.5 लाख करोड़ अकेले कार्यकाल में नहीं है सर, ये तो मैंने क्या कहा, 70 सालों में जितना लिया इस 4 साल में बढ़ता जा रहा है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा 5.5 लाख में से आधा, पहले 3.5 था, इन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए इस टाइम ले लिया, तो ये बड़ा बजट। आपने देखा 70 सालों में 3.5 पहुंचा और उसके बाद में सिर्फ 4 साल में आपने 5.5 पहुंचा दिया उसको, तो ये बढ़न तो अपने ऊपर ही आना ना अल्टीमेटली। तो इनकी घोषणाएं ऐसी घोषणाएं, न बजट का प्रावधान है, न धरातल पे उतर रही है। अब ये बात तो बिजली की बड़ी लंबी चौड़ी करती कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम 17 पे लिए, कहां पे लिए। मैंने एक सवाल इनसे किया था, मैंने कहा था कि 5 लाख के ऊपर आपने कितने इलाज कर दिए। आज मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर 94 से ऊपर 97 भी बता देंगे तो मैं आपके चैनल पर अगली डिबेट पे इनसे बात कर लूंगा। मैं आंकड़े ऑथेंटिक बता रहा हूँ, आपने मैंने लिए हैं।
कि मैंने कहा कि 5 लाख से ऊपर सरकारी इलाज सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज हुआ है, वो 94 लोगों का हुआ है मात्र, 94 का पूरे राजस्थान में। तो अगर आप इस स्कीम को 25 लाख नहीं 25 करोड़ कर दो, अगर इलाज आपको करना ही नहीं है, चिरंजीवी में आपने हर चीज के पैसे फिक्स कर दिए, आपने कहा स्टेंट डालने के हम 27,000 रुपए देंगे, लगते कितने 58,000 रुपए प्राइवेट वाला कह रहा है, बीच का डिफरेंस कौन देगा उनको। तो ये गुमराह करने की चीजें हैं। मैंने कहा सरकारी योजनाएं वो जो पहले चलती थी उन्हीं योजनाओं को बंद करके इन्होंने 3 साल बाद में वापिस चालू कर रहे हैं। तो जनता सब समझती है। आपको आप कह रहे हो कि राहत दे रहे हैं, किस बात की राहत दे रहे हैं? आज हमें बता देगा 1 अप्रैल से ये कह रहे थे हम सिलेंडर देंगे, आज तक ये बता दो आप कितने सिलेंडर दे दिए आपने, अप्रैल के महीने में कितने सिलेंडर दे दिए वो भी बता दो। तो आपने एक सिलेंडर अब अप्रैल से 1 अप्रैल से स्कीम चालू होनी थी, अब ये कह रहे हैं कि साहब हम तो राहत कैंपों में करेंगे उसके बाद में शुरू करेंगे। तो आपका समय तो आने वाला 5 महीने ही रहा है, तो उसके बाद में 5 महीने में क्या कर पाओगे आप किस योजना को कब से चालू करेंगे? 2030 तक मान के चल रहे ना, 2030 तो देखिए योगेंद्र जी आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं, ये भी समझते हैं कि जनता मैंडेट देगी आप रहोगे तो है, बाकी तो आपको जनता ये तो फैसला जनता। आपके पास में आना चाहूंगा मैं, एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि स्कीम्स को लेकर के हर गवर्नमेंट तो दावा यह करती है कि बजट का आकार बड़ा है तो पैसा साइज बढ़ेगा तो उसका पैसा भी बढ़ेगा। भारत में इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो, ये जो पैसे की बात है कर्ज की, कोई सरकार अछूती नहीं है उससे, कोई ये दावा नहीं कर सकती। एक दिल्ली गवर्नमेंट जरूर अपना कुछ स्ट्रक्चर उन्होंने मैनेज किया हुआ है, कोई भी गवर्नमेंट ऐसा दावा नहीं कर सकती कि हम बिना पैसे कर्ज को आगे बढ़ाएं हम स्कीम्स लगा रहे हैं। जब सवाल इस बात पे पूछा जाता है तो कहा जाता है कि हम घींद थोड़ी पी रहे हैं उधार लेकर के, ये तो लोक हित में लोक कल्याणकारी सरकार, हर गवर्नमेंट का ये नपातुला जवाब होता है किसी भी गवर्नमेंट का, और पैसे वो बढ़ाते चले जाते हैं। तो क्या वास्तव में इस पे तो चर्चा करना मुझे लगता है कि व्यर्थ है। खैर लेकिन 30 सेकंड में आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगा कि विजन तो लेकर के चल रहे हैं अभी गहलोत साहब, लेकिन अभी आपको लगता है कि यह विजन जनता के जहन में उतारना एक बड़ी परीक्षा होगी? चैलेंज है सरकार के लिए, उस चैलेंज को कैंप के माध्यम से शायद पूरा करना चाहती है पार्टी। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को टास्क दिया गया है, 24 अप्रैल से हर जगह कैंप लगेंगे, और कैंप तक जो राहत लेने वाला है एक फीलिंग वहां तक होगी कि आखिरकार कैंप में जो लोग आवेदन करेंगे पंजीकरण करेंगे 50 यूनिट से 100 यूनिट के लिए आवेदन किया जाएगा, और जो सिलेंडर के लिए 500 रुपए वाले सिलेंडर के लिए आवेदन किया जाएगा तो वहां पर आवेदन जब भरवाया जाएगा, क्योंकि कैंप लगेंगे, कैंप में 150 की लाइनें भी वहां पर लगेंगी, कुछ कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहेंगे, तो एक विचारधारा शायद वहां पर बदलने की कोशिश भी है। हमने देखा है अक्सर तमाम जो योजनाएं थी सरकार की उसको इंप्लीमेंट तो हो रहा था, 50 यूनिट फ्री की उस समय किसी तरह का कैंप नहीं लगा था, लेकिन जनता के बीच में मैसेज कैसे हो और उस मैसेज का बेनिफिट 2023 में किस तरह से मिले, और फिर 2023 के बाद में विजन 2030 है वहां तक कैसे पहुंचा जाए, उसका आधार कहीं ना कहीं राहत कैंप। चले लेकिन राहत कैंप के जरिए समझिए, लेकिन ये 2023 की चुनावी तैयारी है सरकार की और कांग्रेस की, होती भी है हर गवर्नमेंट इसी तरह से करती है, लेकिन मुझे अच्छे से ध्यान है कि राहत लाभार्थी से चर्चा जब तक उनके जहन में नहीं उतरे और उसको एहसास नहीं हो कि हाँ वास्तव में लोक कल्याण के गौरी गवर्नमेंट ने मेरा काम किया है, तब तक आप प्रयास करते रहिए। वो वोट में कैसे तब्दील होगी एक्सरसाइज आपकी उस पर भी होनी चाहिए, क्योंकि आखिर आपको वोट के लिए जाना है, और 2030 आप तभी तो विजन लेकर के चलेंगे जब 2023 की परीक्षा में पास होंगे। क्योंकि मैं ये इस वजह से कह रहा हूं कि मुझे ध्यान है 2018 के अंदर लाभार्थी शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, अमरूदों का बाग का था वो लास्ट ही सभा थी, उसके बाद में हाईकोर्ट ने रोक लगा दी उस स्थान पर, और लाभार्थी सम्मेलन में यह आंकड़ा पेश किया गया था कितने लाभार्थी इकट्ठे हुए हैं, और इतने गुना लाभार्थी राजस्थान में है, जितने लाभार्थी उसके आधे वोट भी नहीं आए बीजेपी को। तो चौहान साहब मैं आपको भी आगाह कर रहा हूं, केवल योजनाएं या शिविरों से इनसे काम नहीं चलता है, संवादों से काम नहीं चलता है, बहुत कुछ इसके लिए करना भी होगा। ये आप लोगों के सामने बड़ी चुनौती है, इस चुनौती से पार पाएंगे तो आप विजन 2030 देख पाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।